दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मैं गाड़ी के सीट पे बैठ चुका हूं और एक नए सफ़र के लिए, एक नए जर्नी के लिए। और आज का जर्नी जो है ना, मैं बहुत दिनों से, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया था उस समय से प्लान कर रहा था ये जर्नी शुरू हो। और ये बेसिकली ये जो जर्नी है ना, ये बरसात के मौसम का जर्नी है। और आज मैं जा रहा हूँ रांची से धनबाद अपनी गाड़ी से। कहते हैं कि झारखंड जो है ना, यदि आइए तो आप बरसात के मौसम में आइए। और बरसात के मौसम में जो है झारखंड का जो सुंदरता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं देखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्चुअली वो सब चीज़ें दिखा दूं। और ख़ास करके इस रास्ते में जो आपका जो दृश्य है, मनोरम दृश्य है ना, आप देखेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नौतल्ला घाटी है, जो आप देखेंगे तो आप मतलब आप देखते ही रह जाएंगे उसकी सुंदरता। तो वो सारा चीज़ आने वाला है। इसके साथ साथ कुछ रोड में चेंजेज हुआ है, कुछ रूट में चेंजेज हुआ है, जो नया रूट बना है 4 लेन का। तो आप धनबाद जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम सफ़र का शुरुआत करते हैं। सफ़र का शुरुआत है आज का बरियातू हाउसिंग कॉलोनी से है। और अभी मैं पहुंचूंगा बूटी मोड़। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के आगे का रास्ता है जो बूटी मोड़ की ओर जाता है। कुछ ऐसा सीन है भाई। अब ये रोड तो इतना डेवलप हो गया है, यदि आप पहले कभी रांची आए होंगे और अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर डिजिटल मॉल खुल चुका है। ये जो रास्ता है ना, ये इतना डेवलप हो चुका है। अभी देखिए 7 डे मैं पार कर रहा हूँ। आप पुराने यदि रांची में होंगे, कभी आए होंगे, तो ये सारा जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत ही डेवलप हो गया है। और इस लाइन में आपको सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह खुल गया है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल जो बनने वाला है बूटी मोड़ में, वो भी मतलब कंप्लीट होने वाला है। हमको लगता है 6 महीने साल भर में वो भी चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग पास कर रहे हैं DAB नंदराज। यहाँ पे देखिए, ये इतना बड़ा बर्लिन डायग्नोस्टिक, ये भी अच्छा हॉस्पिटल खुल चुका है, आगे ग्लोबल है। ये मैं पहुँच चुका हूँ मेडिका चौक, जो बूटी मोड़ से थोड़ा सा बोल सकते हैं 500-700 मीटर पहले है। और मेडिका जो बिहार झारखंड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और अभी यहाँ पे देखिए, आज ऑटो का स्ट्राइक चल रहा है, तो यहाँ पे अभी ये लोग सारे प्रोटेस्टर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कल से ही ऑटो का स्ट्राइक है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा आम जनता को, और पता नहीं उनका क्या मांग है। तो सरकार को यदि ध्यान हो तो सुनना चाहिए। और ये देखिए आपका यहाँ पे मेडिका हॉस्पिटल है, और यहीं इसी के आसपास मैं भी रहता हूँ, मेरा घर भी ऑन द रोड है। आपको दिख रहा होगा, यदि आप जानते होंगे मेरे को, तो मेरा घर इधर पास में है। सामने आ गए हम लोग बूटी मोड़। ये देखिए बहुत डेवलप हो चुका है। यदि आप पहले देखे होंगे तो अभी आपको यकीन नहीं होगा कि बूटी मोड़ इतना डेवलप हो चुका है। और यहाँ से सीधा हम लोग चले जाएंगे तो रामगढ़ हजारीबाग, लेकिन हम लोग यहाँ पे ओरमाझी के पहले ब्लॉक चौक पड़ता है, वहाँ से हम लोग टर्न करके सिकंदरी घाटी होके जाएंगे, जो बहुत बढ़िया घाटी है। और इधर आप यदि स्ट्रेट चले जाएंगे तो रांची स्टेशन की ओर चले जाएंगे, कांटा टोली की ओर। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ गुमला पेट्रोल पंप। तो आइए थोड़ा गाड़ी का ब्रेकफास्ट करा देते हैं गुमला पेट्रोल पंप पे, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है भाई गुमला पेट्रोल पंप। गाड़ी में पेट्रोल जा रहा, मैडम दे रही है। ये देखिए भाई, पेट्रोल हो गया, पैसा मिल गया, तो पैसा मैंने दे दिया। और ये देखिए इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, बहुत झारखंड में आपको दिखने को मिलेगा, बहुत कर्मठ लड़कियाँ आपको मिलेगी। खाना है। और ये बूटी मोड़ में आपको वार मेमोरियल, जो आर्मी एरिया कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। BIT मोड़ में पहुँच गया हूँ, और यहाँ से BIT मेसरा, यदि आप जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से आप जा सकते हैं। और कुछ ही दूरी पर रिंग रोड है। मैं रांची का रिंग रोड पहुंच चुका हूं। अभी मैं रांची की तरफ से आ रहा हूं। तो आप देखिए, ये जो रिंग रोड है ना, ये पूरे रांची का सर्कल बनाता है, आउटर रिंग रोड बोल सकते हैं।
और इस यदि रांची की तरफ से आते हैं और आप बाएं जाएंगे ना, तो आप डाल्टनगंज वगैरह जा सकते हैं पूरा राउंड करके, और राइट जाएंगे तो आप सीधा जमशेदपुर जाएंगे। तो शहर के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, और रिंग रोड अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इस पे बाहर बाहर जा सकते हैं, यदि आपको बाहर से आ रहे रामगढ़ रीवा या पटना से आ रहे हैं जमशेदपुर जाना है तो आप उस साइड से लेफ्ट ले लेंगे, और डाल्टनगंज जाना है तो राइट जाना है। तो इसके लिए आपको शहर के अंदर अब जाने की ज़रूरत नहीं है। और आगे मेदांता हॉस्पिटल है, अरे देखिए भाई बिना हेलमेट का और बीच में चला रहा है गाड़ी। तो ये आप साइन बोर्ड देख पा रहे होंगे, यहाँ से बोकारो 105, बनारसी 400, हजारीबाग 80, पटना 295, रामगढ़ 25 और बरही 115 किलोमीटर। और ये सीधा रोड जो जाएंगे ना, तो आपको हजारीबाग बरही होते हुए पटना जा सकते हैं, बनारस बरही से आप बायां कट जाएंगे तो बनारस जा सकते हैं, राइट कट जाएंगे कोलकाता जा सकते हैं। तो सारा रूट ये मेन रूट है। और यहाँ पे देखिए मेदांता हॉस्पिटल है रांची का, जो पहले अपोलो हॉस्पिटल हुआ करता था, अब मेदांता हॉस्पिटल है। इस जगह को इरवा बोलते हैं, रांची है। जो लोग पहले कभी रांची देखे होंगे ना, उनको लग रहा होगा पुराना रांची, तो अभी रांची और पहले का रांची में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। तो ये देखिए, ये अभी रांची का चिड़ियाघर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और यदि आप रांची या कहीं बाहर से आते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे यहाँ 4-5 घंटा तो घूम ही सकते हैं। और ये चिड़ियाघर छोटा सा टिकट लगता है, ज़्यादा टिकट है नहीं, तो आराम से आप अपने बच्चों के साथ घूम सकते हैं। ये चिड़ियाघर का एंट्रेंस है और बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे जीव जंतु हैं यहाँ पे, अंदर स्नैक है। और राइट साइड में देखिए मछली घर है, और उसके बाद आपको तितली घर दिखेगा। तो यहाँ पे आप अच्छा एक दिन आपका पूरा स्पेंड हो जाएगा यहाँ पे रांची घूमने आएंगे तो। और यहाँ पे देखिए BMW स्कोडा, वाई रांची है। और ये रांची का पहचान, रांची का मधुबन होटल। देखिए मधुबन जो ढाबा छोटा सा हुआ करता था ना, अब देखो भाई मधुबन ढाबा कैसा हो गया है। ये देखिए ये 5 स्टार हो गया है, 5 स्टार। ये देखो भाई ये हमारा रांची है। और ये देखिए भाई मौसम का तो क्या ही कहना है रांची का, मतलब इतना सुहाना मौसम ना मौसम। जब मैं एयरफोर्स में था तो जैसे मैं दो तीन जगह का मौसम का बात करता हूँ। ये देखिए पीछे वाला बम्बू किया हुआ मुझे, मैं चलो साइड हो जाता हूँ भाई, तुम चले जाओ आगे, मुझे नहीं जाना, मुझे स्पीड नहीं लगाना है, मैं तो आराम आराम से जाऊँगा। अपने व्यूअर्स के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँगा, और मुझे रेस भी नहीं लगाना है गाड़ी पे। आपको भी मेरा सजेशन है, आप रेस मत लगाइए। तो चलिए मैं रांची के मौसम के बारे में बात कर रहा था। तो रांची का जो मौसम है ना भाई, क्या ही कहना है इसका। मैं जब एयरफोर्स में था ना, तो बेंगलोर, नासिक और पुणे, ये तीन जगह का मौसम मुझे बहुत पसंद था, और रांची ये चौथा जगह है। और इन चारों को यदि आप ये करेंगे ना, तो मेरे को लगता है रांची नंबर 1 या नंबर 2 पे आएगा वेदर के मामले में। और अभी मैं पहुंच गया हूँ ब्लॉक चौक। और ये चौक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यदि आप सीधा चले जाएंगे तो रामगढ़ हजारीबाग जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट लेंगे, 30 किलोमीटर का हम लोग का सेव हो जाएगा। इसको सिकंदरी का ये मोड़ है इस रास्ते से। और देखिए यहाँ से 23 किलोमीटर जो विश्व प्रसिद्ध हुंड्रू फॉल्स है, बोलते झारखंड को स्टेट ऑफ फॉल्स बोला जाता है, इसी रास्ते में 23 किलोमीटर है। तो हम लोग जहाँ से कट लेंगे ना सिकंदरी घाटी का, वहाँ से सिर्फ मात्र 7 किलोमीटर हुंड्रू फॉल है। क्योंकि मुझे समय नहीं है, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता आपको। तो हम लोग हुंड्रू फॉल से 7 किलोमीटर पहले बाएं कट जाएंगे, और बहुत भयंकर घाटी है नौतल्ला घाटी है ना, उस घाटी को आप देखेंगे ना, और अभी बरसात में जो घाटी है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, आपको इमेंस प्लेजर आने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। आप वर्चुअली अनुभव कर पाएंगे इस ये को। थोड़ा खतरनाक घाटी है, मुझे संभल के चलाना पड़ेगा। आप भी यदि इस रास्ते से गुजरते हैं तो संभल के जाइए, और नए ड्राइवर है तो बिल्कुल मत जाइए, इतना खतरनाक है मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप नए ड्राइवर है, नया नया सीखे हैं, तो उस घाटी में मत जाइए भाई, आप थोड़ा लंबा कट लीजिए और सीधा रामगढ़ होके आइए। तो मेरा तो एक्सपर्टीज है करीब 24 सालों का गाड़ी में, तो मैं इसी घाटी से प्रेफर करता हूँ, और मैं जा रहा हूँ आज आपको दिखाऊंगा। तो भाई मेरे से लोग पूछते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, बीच में फोन आ गया था तो सॉरी थोड़ा कट करना पड़ा। तो वीडियो बनाना मेरा शौक है, मैं घूमता हूँ और वीडियो बनाता हूँ,
और वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, देखिए मेरे पास साथ एक दो इंसिडेंट हो गया भाई, गूगल पे तो रिलाई नहीं करने का। एक दो बार मैं रात में ऐसा फंसा ना गूगल के भरोसे, को एकदम जंगल में ले जाके मुझे छोड़ा, और वो उधर से ना आगे जाने का ना पीछे जाने का रास्ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, और लोग भी मैं ट्रैवल करते हैं, सब लोग तो रेगुलर होते नहीं, लोग कभी कभार जाते हैं, तो मैं ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि लोग मेरे तो वीडियो को देख के, उनको गूगल देखने का जरूरत नहीं हो, और एग्जैक्ट उनको जब पहली बार कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको लगे कि ये रास्ता उनका देखा हुआ है। क्योंकि जब रास्ता देखा हुआ होता है ना तो आपको उस रोड पे ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होता है। अनजान रास्ते में यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे ना तो 10 किलोमीटर के बराबर आपको महसूस होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आपके लिए कुछ जानकारी हो और आपकी कुछ मदद हो। तो ये यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखिए भाई, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, अब मेरा 1 मिलियन व्यू होने वाला है, और मैं बता रहा हूँ जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए भाई शेयर करके। क्योंकि बिना सस्ते में एक जगह है मगरमच्छ, यहाँ पे मगरमच्छ पालते हैं। वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे पानी वानी से थोड़ा डर लगता है, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं जाके आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप कहाँ से जा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा भाई। ये रास्ता भी इतना डेवलप हो गया ना, मैं जब पहले आता था ना तो ये पूरा जंगल था, अब लेकिन जगह जगह पे ढाबा, घर, दुकान, मार्केट, भाई डेवलपमेंट का तो बात ही क्या कहने हैं। ये कि मगरमच्छ पालन केंद्र जो है, ये देखिए आप ये जगह याद रखिएगा, यहाँ से ही लेफ्ट जाते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेफ्ट, ये जो रास्ता जाता है ना यही रास्ता जाता है, 3 किलोमीटर है यहाँ से, साइन बोर्ड थोड़ा सा फेर, ये जो है ना यहाँ से सिकदरी 2 किलोमीटर, हुंडरू फॉल 10 किलोमीटर है, और गोला 17 किलोमीटर। तो पहले जो था ना बीच में ये रोड जो आप देख रहे हैं यहाँ से था, लेकिन अभी इसमें 4 लेन का काम चल रहा तो बंद हो रहा, और ये सीधा नौतल्ला घाटी की ओर, यहाँ से 10 किलोमीटर हुंडरू फॉल है, 3 किलोमीटर और जाके मेरे को लेफ्ट हो घाटी में मुड़ना होगा। तो वीडियो संभल के देखिए, रोड डाइवर्ट, छोटा सा पुलिया है, उधर से आता है गाड़ी काफी स्पीड में, और ये पुराना रोड था, अभी डाइवर्सन दो उस जाने आने का अलग अलग कर दिया गया है ताकि जाम न लगे। तो जो गाड़ी उधर से आता है ना वो बहुत स्पीड में आता है, और इधर से निकलने वाले स्पीड में आता है, तो ये दोनों जगह। और ये देखिए गाड़ियां आ रही हैं उस साइड से, एक लाइन से सभी गाड़ी आ रहा, देखिए कितना स्पीड में, बहुत सारी गाड़ी, आपको सभी सुबह ऑफिस वाले लोग आते हैं चलेंगे ना तो आपको एक से एक नज़ारा देखने को मिलेगा, और जैसा कुछ कैप्चर हो पाता है तो मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। गाड़ी ये देखिए, गाड़ी एक गया दूसरा है, पहुंच गए हैं सिकदरी बाजार, और ये देखिए ये जो है ना सिकदरी थाना, ये देखिए यहाँ पे ये थाना जो है ना, ये निशानी है, आपको यहाँ से नौतल्ला घाटी के लिए मुड़ना है, यहाँ से सीधा आप जाएंगे ना ये रोड, सीधा आप जाएंगे ना तो ये रोड आपको हुंडरू फॉल लेके जाएगा, और यहाँ से 8 किलोमीटर है, और आप बाएं साइड में 17 किलोमीटर गोला है, 72 किलोमीटर बोकारो है, 118 किलोमीटर धनबाद है। तो देखिए अब हम लोग इस घाटी के लिए मुड़ रहे हैं, ये देखिए, और ये घाटी भाई पूरा देखिए, और मैं पूरा ये घाटी आपको दिखाने वाला हूँ, इस घाटी में नजारा बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, और ये जो मजा आने वाला है ना ये पूरा घाटी में आपको दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा घाटी में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से घाटी क्षेत्र प्रारंभ हो गया, और ये देखिए मौसम तो आज बहुत जबरदस्त है, बारिश नहीं हो रहा, अच्छी बात है। तो यहाँ आगे जाएंगे तो एक छोटा सा पुल है, और यहाँ पे सावधानी है, ब्रेकर है, ये देखिए, और समय कम है, स्टिल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा रुक के आपको दिखाऊं, रात में मैं रेगुलर हूँ, फिर भी देखिए यहाँ से शुरू हो गया, और ये देखिए ये नहर है छोटा सा, अरे देखिए यहाँ पे और गाड़ी चलाते चलाते ना वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा तो बोलते हैं ना, कुछ करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा ये लगाना ही पड़ता है। घाटी क्षेत्र धीरे चले, मैं बिल्कुल धीरे चलूंगा, और आपको भी मेरा सलाह है कि आप धीरे चलिए।
तो देखिए भाई क्या नज़ारा है। ये नज़ारा जो है ना, ये आप यहाँ से शुरुआत है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा रुक के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको नीचे जो गांव दिख रहा ना, ये हम लोगों को नीचे जाना है बिल्कुल। ये नीचे बिल्कुल नीचे जाना है। और मौसम देखिए क्या क्या मज़ेदार मौसम है। ये देखिए हम लोग बिल्कुल नीचे जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। ये देख लो भाई, अंधा मोड़ है, गति सीमा 10 किलोमीटर। तो भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये देखिए यहाँ पे एकदम ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न देते हुए निकलना है। और 10 किलोमीटर की स्पीड में कोई ज़्यादा स्पीड नहीं, 5-7 मिनट लगेगा आपको घाटी क्रॉस करने में। लेकिन आराम से, सावधानी से। ये देखिए देखिए कितना स्पीड में गाड़ी आता है, तो आपको थोड़ा सावधानी लेना है। गाड़ी वगैरह बहुत आता है, फिर टर्निंग आ गया। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉल ही बोल सकते हैं, आपको दिखेगा रास्ता में शायद यहीं पे। देखिए ये नेचुरल फॉल है, ये जो फॉल है ना ये नेचुरल है। यहाँ एक मंदिर बना दिया गया है, टर्निंग है। और ये देखिए झरना, ये क्या जबरदस्त झरना है। और ये देखिए पूरा घाटी है भाई। और ये टर्निंग देखिए, इसका तो मजा ही कुछ और है। ये देखो भाई, लेकिन बहुत आराम आराम से, बहुत आराम आराम से। ये देखिए बस कितना स्पीड में आ रहा। ये देखिए बस वाले कैसे चलाते हैं। ये देखिए, तो इसलिए आपको सावधानी लेना है। देखिए गाड़ी आ रही है ना, उधर जाना है हम लोग। वो गाड़ी सब आ रही है, उस साइड जाना है। और ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ रुक के आप सेल्फी वेल्फी ले सकते हैं, फोटो वोटो ले सकते हैं। गाड़ी ऊपर चढ़ रहा ना, उसको पहले जाने दीजिए। आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लीजिए, क्योंकि ऊपर चढ़ने वाले गाड़ियों को दिक्कत होता है, नीचे वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, और ये हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए। और उधर नीचे जा रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए गाड़ी है, टर्निंग है भाई। ये देखो हमें तो पता है, लेकिन आप आते हैं इसलिए मैंने बोला नए लोगों को थोड़ा सावधानी से आना है। अब देखिए सच से आएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा इस घाटी में। लेकिन अभी मेरे को जल्दी जल्दी है आपको दिखाना भी, और जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्या पहाड़, एकदम ऊपर से आए हैं। और ये ऑलमोस्ट लास्ट जो नौतल्ला घाटी का है ना, ये देखिए ये लास्ट है। अब यहाँ से घाटी हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके हम लोग बाहर फिर से मेन रोड में निकल जाएंगे। अब हम लोग को थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ना है और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। भाई क्या सटा के निकाला है भाई, मैंने 2 नंबर डाल दिया है।
और अब हम लोग घाटी से बाहर आ गए। यहाँ पे ये मंदिर है, ये निशानी है, आप घाटी से बाहर आ चुके हैं। ये देखिए, इनका काम चल रहा है रांची से मतलब धनबाद तक का, ये 4 लेन है। तो ये जो मैं आपको रास्ता दिखाया था ना, जो बंद कर दिया गया है, वही रास्ता यहाँ से बाहर निकल के आएगा और यहाँ से फिर मेन रोड हो जाएगा। ये 4 लेन काफी स्पीड में चल रहा है और इसका 2025 तक रेडी होने का चांसेस है। जो रोड है ना, ये क्लोज हो गया, पहले थोड़ा शॉर्ट पड़ता था और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से गोला 12 किलोमीटर और बोकारो 67 किलोमीटर। तो ये जो रास्ता है ना, अब सीधा हमको गोला 12 किलोमीटर पर निकला। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं गोला में। ये देखिए, 4 लेन का काम चल रहा है और काफी स्पीड में चल रहा है। गोला एकदम फाटक तक ना बिल्कुल स्ट्रेट है गोला। और ये रामगढ़ से यदि आप आते ना तो इसी रोड को पकड़ते तो लेफ्ट रामगढ़ चला जाएगा। और मैं बता रहा था, यदि आप नए ड्राइवर हैं तो आप उसी रूट को फॉलो कीजिए रांची के लिए, 20-25 किलोमीटर आपको ज्यादा पड़ेगा। और नए ड्राइवर हैं तो इस रास्ते को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। ये गोला मार्केट है और सब्जी के लिए बहुत फेमस मार्केट है। और यहाँ से हम लोग राइट चले जाएंगे पेटरवार वाले रास्ते में। तो मेरा पहले का वीडियो है, आप देखेंगे रांची टू धनबाद का, तो उसमें मैंने दिखाया हुआ है डिटेल्स में। तो ये जो चौक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोग को राइट जाना है और राइट होके लेफ्ट कट करना है। राइट होके राइट नहीं मुड़ना है, राइट होके लेफ्ट कट करना है। क्योंकि राइट होके राइट चले जाएंगे ना तो ये रास्ता मुरी चला जाता है, जमशेदपुर चला जाएगा, तो इधर नहीं जाना है। और सीधा आप यहाँ से पेटरवार पहुंचेंगे, पेटरवार के बाद जेना मोड़, और जेना मोड़ के बाद हम लोग आगे देखेंगे रास्ता कैसे है। बोकारो सेक्टर 5 में। और बीच में फोन वगैरह आ गया था तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गए थे तो मैं बहुत रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो खैर वीडियो में मैं आते जाते देखते ही रहेंगे। तो ये हम लोग बोकारो आ गए हैं और मैं अंदर आ गया यहाँ से, और यहाँ से सीधे हम निकलेंगे तेल मच्चो ब्रिज की ओर। ये सीधा रास्ता जाएंगे ना तो सेक्टर 11 की तरफ आपको मुड़ना है और वहां से तेल मच्चो ब्रिज की ओर। और ये राम मंदिर, बोकारो का बहुत ही फेमस राम मंदिर बोलते हैं। और ये मोड़ है, ये है पुटकी। और देखिए यहाँ के, इसके बाद करकेंद आएगा और फिर बैंक मोड़। यहाँ से 8 किलोमीटर बैंक मोड़ बचा हुआ है। तो ये पुटकी मार्केट है। और यदि आप झरिया जाना चाहते हैं तो राइट मुड़ सकते हैं, करकेंद पहुंचने वाले। और ये सब एरिया जो है ना, पूरा कोल माइंस का एरिया है। आप देख सकते हैं कोल माइंस का डंप पड़ा, ओपन माइंस का। ये पहाड़ जो है ना, माइंस का पहाड़ बना हुआ है बाएं साइड में, ये जो पहाड़ है। और सामने करकेंद है, ये बस ये रांची जा रही है कैट एक्सप्रेस का। और हम लोग करकेंद आ गए और यहाँ से लेफ्ट आप जब जाएंगे ना तो ये कतरासगढ़ की ओर चला जाएगा। आप देखिए गाड़ी जो जा रही हो वो कतरास से आई है, लेफ्ट जो ऑटो मुड़ रहा ना वो कतरास की ओर जा रहा। हम लोग को यहाँ से करकेंद जो मोड़ है, यहाँ से हम लोग को राइट जाना है। और यहाँ से आपको 5 से 6 किलोमीटर धनबाद रेलवे स्टेशन है, गोविंदपुर 17 किलोमीटर है। ये देखिए, बीच में कई सारा फुटेज में ले नहीं पाया, जैसे तेल मच्चो ब्रिज में लेना चाह रहा था। तो कोई वीडियो में मेरा जरूर आप देखे होंगे। और इस तरह हमारा धनबाद अब मैं पहुंचने वाला हूं बैंक मोड़। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। और अब कुछ ही क्षणों में हम बैंक मोड़ पहुँच जाएंगे और इस तरह हमारा रांची से धनबाद तक का सफर अब पूरा हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। यदि आप कभी रांची से धनबाद अपनी गाड़ी से आते हैं तो इस वीडियो को देख के आप आराम से पहुंच सकते हैं। चल क्या धनबाद का बैंक मोड़। और ये सामने गुरुद्वारा है और यहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है क्योंकि यहाँ से राइट झरिया का रास्ता जाता है, सीधा आप जाएंगे तो पुरानी बाजार धनबाद, और लेफ्ट धनबाद रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस, मेरा फेवरेट वाइकिकी रेस्टोरेंट है जहाँ का डोसा बहुत बढ़िया है।
धनबाद में आपका स्वागत है।